हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीत डिजाइंस। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बोट नेक डिजाइन, जिसे मैं इस पोटली बटन्स और इस मेटालिक थ्रेड यानी कि जरी धागे के साथ थ्रेडी करूंगी। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइन्स की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने ये सारे पोटली बटन्स बना लिए हैं, तो मैं अभी आपको एक बना के दिखा देती हूँ ये मैंने कैसे बनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कॉटन ली है। कॉटन को हम थोड़ा सा ऐसे तोड़ लेंगे और इसकी छोटी सी एक बॉल बना लेंगे। इस तरीके से आप हाथों के साथ इसको अच्छे से बॉल की तरह रैप कर दीजिए। तो देखिए, ये छोटी सी बॉल बन गई है। अब हमने क्या करना है, ये कपड़ा लिया है मैंने शिमर का, और ऐसे ये जो फैब्रिक है इस तरीके से इसको नीचे रखेंगे हम अपनी कॉटन वाली बॉल को, और ऐसे ऊपर से उठा देंगे। और सिर्फ ये कॉटन बॉल को ही हमने उठाना है और इस तरीके से कपड़े को थोड़ा सा घुमा देंगे, तो ये अपने आप ही एक बॉल की शेप ले लेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सेम धागे के साथ अच्छे से टाई कर देंगे ताकि ये खुले ना। मैं सेम धागा इसलिए यूज कर रही हूँ, कई बार हमारा ये धागा दिखाई दे देता है, तो अगर हम और कलर का धागा लगाएंगे तो वो बुरा लगेगा, इसलिए मैं ये सेम कलर का धागा लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छे से टाई कर दिया और धागा भी कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंची के साथ, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लेना है, इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ। तो ऐसे हमारा देखिए कितना अच्छा पोटली बटन बन के रेडी हो गया। तो ऐसे देखिए, मैंने कितने सारे पोटली बटन्स बना लिए हैं। तो अब ये मेरी क्रेप की कुर्ती है और मैंने ग्रीन और गोल्डन का कंट्रास्ट दिया, इसलिए मैंने शिमर वाला फैब्रिक यूज किया है पोटली बटन में। तो आप कोई भी जो भी कंट्रास्ट अपनी कुर्ती में देना चाहते हैं तो वो कलर का फैब्रिक यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने अपना ये बोट नेक कट किया है और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर स्टिच भी कर लिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ब्रॉड है और कितना डीप है। तो ऐसे मेरा ये बोट नेक 8 इंची ब्रॉड है और 4 इंची, लगभग 4 इंची डीप है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी ब्रॉडनेस और इसकी डीपनेस जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो मैंने क्या किया है, बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे एक सिलाई लगा ली है। तो अगर हम सेम थ्रेड के साथ लगाते हैं हमें इस तरफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि हमें पोटली बटन अपने इस साइड लगाने हैं, इसलिए मैंने ये यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कलर का थ्रेड यूज किया है, ताकि हमें ये प्रॉपर सिलाई दिखाई दे जो हमने बुकरम के साथ लगाई है। तो अब हमें क्या करना है, अपने पोटली बटन को अपने नेक पे स्टिच करना है। वो कैसे करना है, इस तरीके से हम इसको ऐसे रखेंगे पोटली बटन को बुकरम वाली साइड की तरफ, और सेम उसी सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे जो हमने ये डिफरेंट कलर के थ्रेड के साथ लगाई है। तो आप जो पोटली बटन के बीच का गैप है अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। मैं आधे आधे इंच का गैप लूंगी पोटली बटन में। तो ऐसे आधे आधे इंच के गैप पे मैं सारे पोटली बटन उसी सिलाई के ऊपर ही स्टिच करूंगी जो मैंने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगाई है और डिफरेंट कलर के थ्रेड के साथ लगाई है। तो ऐसे ही हमने अपने सारे पोटली बटन स्टिच कर लेने हैं पूरे नेक पे। तो ऐसे हमने अपने सारे पोटली बटन अपने नेक पे स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसको अपनी कुर्ती पे स्टिच करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये क्रेप की कुर्ती है, ये लाइनिंग वाली है, मैंने लाइनिंग को भी इस तरीके से स्टिच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपना नेक पलटेंगे। तो ये जो नेक मैंने ऐसे रेडी किया है, इसको हम ऐसे सीधी वाली साइड पे रख के इस तरीके से और ऐसे पलट देंगे। तो सबसे पहले हम इसके बिल्कुल सेंटर में रफ स्टिच कर लेंगे, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के साथ साथ किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमने दोनों का सेंटर मिलाते हुए पहले हम रफ स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से आप नीचे तक रफ स्टिच कर लीजिए बुकरम तक, ताकि आपका नेक हिले ना। अब हम किनारे की सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुकरम के साथ साथ, जो हमने पोटली बटन को भी स्टिच करते हुए लगाई है और जो डिफरेंट कलर के थ्रेड के साथ लगाई थी, उसी सिलाई के ऊपर ही हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए, हमारे पोटली बटन ऐसे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर देंगे। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं अपने नेक में।
कट लगने से क्या होता है, हमारे नेक में अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो ऐसे फ्रेंड्स मैंने इसमें कट लगा लिए हैं, अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। हमने अपने पोटली नेक पोटली बटन्स जो हैं इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेने हैं ऐसे। तो पलटने के बाद हमारा ये नेक ऐसे आ जाएगा, देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे ये पोटली बटन्स लगे हुए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे रफ स्टिच कर लो तुरपाई के लिए। तो ऐसे फ्रेंड्स आप अपनी कुर्ती वाला जो फैब्रिक है उसको अच्छे से टाइटली थोड़ा सा खींच लीजिए और यहाँ पे हम रफ स्टिच कर लेंगे, यानी कि कच्ची सिलाई लगा लेंगे तुरपाई के लिए। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स रफ स्टिच भी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस पे मेटेलिक थ्रेड का डिजाइन देना है। तो मेटेलिक थ्रेड ऐसे ही मैंने नॉर्मली जैसे हम धागा भरते हैं मशीन में उसी तरीके से धागा भर लेना है। तो मेटेलिक थ्रेड आपने जितना भी लूज आप रखना चाहते हैं, यानी कि टांका उतना रख सकते हैं। अगर बारीक टांका रखना चाहते हैं मेटेलिक थ्रेड का तो वो भी आप रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा लूज रखूंगी। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे अपने नेक के ये मेटेलिक थ्रेड को यूज करेंगे। तो ये जो मेटेलिक थ्रेड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो आप इसको बिल्कुल आराम आराम से अपनी मशीन को चलाएं ताकि ये टूटे ना। तो यहाँ पे एक और बात आप ध्यान में रखें, जो नीचे आप थ्रेड भरे वो सेम कलर का ही भरे, यानी कि ग्रीन कलर का ही। तो ऐसे देखिए मेटेलिक थ्रेड के टांके इस तरीके से आएंगे। जब ये दो तीन लेयर्स लगी होंगी मेटेलिक थ्रेड की तो प्रॉपर हमें दिखाई भी देंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल भी लगेंगे। तो ऐसे हम पूरे नेक के साथ साथ इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे धीरे धीरे। तो ये ध्यान में रखें मेटेलिक थ्रेड हमारा ऊपर ही है, नीचे हमने नॉर्मल थ्रेड भरा हुआ है। तो ऐसे फ्रेंड्स हमारी ये मेटेलिक थ्रेड की लेयर एक लग चुकी है। अब हमने एक पैर का गैप लेना है और दूसरी लेयर इस तरीके से स्टिच करनी है हमें मेटेलिक थ्रेड की। तो मैं ये तीन चार दूंगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी हमारे नेक पे ये लगी हुई। तो ऐसे ही फ्रेंड्स मैं एक एक पैर का गैप ले रही हूँ मेटेलिक थ्रेड की लाइन में। तो आप अपने अकॉर्डिंग गैप भी मेंटेन कर सकते हैं, जितनी भी चाहें आप उतनी लाइनें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे देखिए मैंने जरी धागे की चार लाइनें लगाई हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी लगा सकते हैं और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा ये नेक आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं जरी धागे के साथ और भी इजी इजी नेक डिजाइन आपको दिखाती रहूंगी। तो ये अभी मैं आपको अपनी कुर्ती पूरी रेडी करके दिखाती हूँ। तो रेडी होने के बाद देखिए हमारा ये नेक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पोटली बटन्स और मेटेलिक थ्रेड के साथ। और ये होगी इसकी कुर्ती की फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।